बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। आज इसको देखते हैं कि इससे किस तरह के एमसीक्यू बनते हैं, यानी कि अक्सर पूछा जाता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनका टेम्परेचर कोफिशेंट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, क्या होता है, सेमी कंडक्टर्स का क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से टेम्परेचर कोफिशेंट को कब वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और पहले उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब देखें, टेम्परेचर कोफिशेंट जो है ना ऑफ रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। क्या कहते हैं इसको? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। ये लें जी, ये होती है आपके पास टेम्परेचर कॉफिशेंट। टेम्परेचर कॉफिशेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से। इसको डेफिनेशन के मुताबिक फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी कि फ्रैक्शनल चेंज का मतलब है चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो स्टार्ट में थी आपके पास, ठीक है। फर्ज करें चेंज टेम्परेचर को बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस बढ़ेगी उसे हम आर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज होती है यानी कि चाहे बढ़ती है या ज़्यादा या कम होती है, आर टी माइनस जीरो टेम्परेचर के ऊपर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसकी जो रेजिस्टेंस है उसे आर नॉट हम शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर जो ओरिजिनल उसकी 0 पे ऊपर उसकी रेजिस्टेंस थी आपके पास, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उससे डिवाइड कर दें, ये इसका मतलब है कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। और पर केल्विन का मतलब है इस टोटल के ऊपर, यहाँ पर आप टेम्परेचर से डिवाइड कर दें तो ये पर केल्विन फ्रैक्शनल चेंज, ये टोटल फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस और पर केल्विन ये टेम्परेचर से आपने डिवाइड कर दिया। इसको जब रीअरेंज करेंगे ना ये आ जाएगा आर ऑफ टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू टी। ये आ गया जी फार्मूला आपके पास टेम्परेचर कोफिशेंट का, ठीक है। अब देखें बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट हैं सिर्फ, उनको आप यहाँ पे देख लें। अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, ठीक है, तो कंडक्टर्स का आपको पता है कि कंडक्टर्स के लिए जो रेजिस्टेंस होती है ना वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती है उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ये आर नॉट जो है ना ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और आर टी ये जो आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो इसे मैं कहता हूं कि रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ भी हो सकती है इसकी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड आप बढ़ा देते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 90, 200, जितना भी आप बढ़ाते हैं वो टेम्परेचर यहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे पुट करनी होती है, ठीक है। और ये आपके पास जो चेंज इन टेम्परेचर है, यानी कि 0 डिग्री से यहाँ से आपने चेंज किया ना टेम्परेचर को, वो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे हम टी की जगह पुट करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है। तो अगर इसके लिए मैं टेम्परेचर कॉफिशियंट देखूँ ना, आर ऑफ टी माइनस आर ऑफ नॉट ओवर आर नॉट इंटू टी। अब जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, 0 से टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये वाली रेजिस्टेंस आएगी, और ये टेम्परेचर को बढ़ाने से ऑलवेज बढ़ेगी, मतलब ये जो वैल्यू है ना आर ऑफ टी ये आर ऑफ 0 से ऑलवेज ग्रेटर आएगी, ये वैल्यू बड़ी होगी और आर ऑफ नॉट जो है ये वैल्यू छोटी होगी, नेगेटिव वैल्यू छोटी होगी, पॉजिटिव वैल्यू जो है वो आपके पास बड़ी होगी, ठीक है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना आपके पास यहाँ पे, ठीक है, जब ये पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंडक्टर्स होते हैं ना उनका टेम्परेचर कॉफिशेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लें कि टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ कंडक्टर्स इज पॉजिटिव, ठीक हो गया। कंडक्टर्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑलवेज आपके पास पॉजिटिव होता है।
है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर्स की। अब देखिए सेमीकंडक्टर्स के लिए आर ऑफ टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू टी। ठीक है, अब देखिए बच्चे आपको सेमीकंडक्टर्स का पता है कि उनके लिए जो रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है ना टेम्परेचर के साथ, वो इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाएं ना तो रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होती है, इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रेजिस्टेंस आती है। ठीक है, अब जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये न्यू रेजिस्टेंस आएगी, तो ये पहले वाले से भी छोटी वैल्यू आएगी। यहाँ से हमें पता चल रहा है टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगी, किसके अंदर, सेमीकंडक्टर्स के अंदर, क्योंकि आपको पता है उसमें फ्री चार्ज कैरियर्स होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी तादाद बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस जो है सेमीकंडक्टर्स की टेम्परेचर के बढ़ाने से कम हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो रेजिस्टेंस है ना, ये वैल्यू यहाँ पर बढ़ी आएगी, और जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो नेगेटिव वाली वैल्यू है ना वो बड़ी है, पॉजिटिव वाली वैल्यू आपके पास छोटी आ रही है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो पूरा जो आंसर है ना टेम्परेचर कॉफिशेंट का, वो आपके पास नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं, आपको पता चल गया कि जो टेम्परेचर कॉफिशेंट होता है ना सेमीकंडक्टर्स का, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अल्फा मैं लिख रहा हूँ, अल्फा यानी कि टेम्परेचर कॉफिशेंट फॉर सेमीकंडक्टर्स, फॉर सेमीकंडक्टर्स इज नेगेटिव। जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको वीडियोस को देखते रहिए और न्यू कंसेप्ट अपने क्लियर करते रहिए और नए नए कंसेप्ट यहाँ पर सीखते रहिए फिजिक्स के, और एमसीक्यू में जो है वो फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं अगर आप सारी वीडियोस को हमारे साथ साथ देखते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।